नमस्कार दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल वाले आइकॉन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं करंट जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों, अगर आपने हमारे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप ऊपर कोने में जाकर और आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, और इस वीडियो की PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी प्राप्त कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, चलाइए शुरू करते हैं हमारे आज के करंट जीके। तो उससे पहले हम जो हमें नेक्स्ट वीडियो में होमवर्क क्वेश्चन दिया था उसके बारे में बात करें। तो हमारा क्वेश्चन था कि भारत में सबसे लंबा रेलवे पुल किस नदी पर जो स्थित है, बना हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर था ये था वेम्बनाड नदी पर। तो ये जो पुल है ये कोची में बना हुआ है, और इस ब्रिज की जो लंबाई है ये 4.62 किलोमीटर है। जो बिहार में जो सोन नदी पर बना हुआ जो नेहरू सेतु है जिसकी लंबाई 3.59 किलोमीटर है के जो है पीछे छोड़ देता है। और ये जो पुल बना हुआ है इसकी खासियत ये है कि इसके नीचे से जो समुद्री बेड़े होते हैं, जहाज़ होते हैं, जो सामान जो है ढुलाई का काम करते हैं, वो बड़े जहाज भी जाओ उसके नीचे से गुजर सकते हैं। तो चलाइए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण के कारण लॉकडाउन को 31 जुलाई तक बढ़ा दिया है? तो किस सरकार ने जो है कोरोना संक्रमण के कारण जो लॉकडाउन उसको 31 जुलाई तक बढ़ा दिया है? ऑप्शन हमारे पश्चिम बंगाल सरकार, राजस्थान, बिहार या उड़ीसा। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल सरकार। तो पश्चिम बंगाल सरकार ने जो है ये लॉकडाउन को अब 31 जुलाई तक बढ़ा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइनेंशियल ईयर 2018-19 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की जो समय सीमा थी उसको कब तक के लिए बढ़ा दिया गया? तो ऑप्शन हमारे 31 अगस्त 2020 तक, 31 जुलाई 2020 तक, 31 जनवरी 2020 तक या 31 मार्च 2020 तक। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी, 31 जुलाई 2020 तक। तो ये जो फाइनेंशियल ईयर है 18-19 इसके लिए जो इनकम टैक्स भरने की जो तिथि थी उसको 31 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बैंकिंग सुधार के लिए किस अध्यादेश को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दिया है? तो किस जो है आदेश को ये मंजूरी दी गई है? ऑप्शन हमारे सभी कोऑपरेटिव बैंकों को रिजर्व बैंक की निगरानी में रखने का अध्यादेश, सभी बीमा कंपनियों को रिजर्व बैंक की निगरानी में रखने का अध्यादेश, सभी बैंक को रिजर्व बैंक की निगरानी में रखने का आदेश, या सभी सहकारी संस्थाओं को रिजर्व बैंक की निगरानी में रखने का अध्यादेश। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए, सभी कोऑपरेटिव बैंकों को रिजर्व बैंक की निगरानी में रखने का अध्यादेश। तो ये जो बैंकिंग सुधार के लिए अध्यादेश जो कैबिनेट ने इसको मंजूरी दी है तो ये है सभी कोऑपरेटिव बैंकों को रिजर्व बैंक की निगरानी में रखने का अध्यादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पाकिस्तान की राजधानी में किस नाम से पहला हिंदू मंदिर बनाने की आधारशिला रखी गई है? तो ये जो है पहला हिंदू मंदिर है जिसकी आधारशिला पाकिस्तान में, पाकिस्तान की जो राजधानी है वहाँ पर रखी गई है, क्योंकि वहाँ पर जो अधिकतर हिंदू है। तो ऑप्शन हमारे ये कौन सा मंदिर बनाया जाएगा? ऑप्शन हमारे राम मंदिर, हनुमान मंदिर, शिव मंदिर या श्री कृष्ण मंदिर। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, श्री कृष्ण मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विजडन इंडिया के एक पोल के मुताबिक पिछले 50 वर्ष में जो सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर है इसका पोल किस खिलाड़ी ने जीता है? तो ये जो पिछले 50 वर्ष में जो सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर है इसका पोल किस खिलाड़ी ने जीता है? तो ऑप्शन हमारे कपिल शर्मा, धोनी, राहुल द्रविड़ या राजेश कुमार। तो किसने जीता है? राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, राहुल द्रविड़। तो जो ये विजडन इंडिया के जो पोल है इसके मुताबिक जो 50 साल में जो सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेटर का जो ये रिकॉर्ड है ये राहुल द्रविड़ ने जो है जीत लिया है।
दोस्तों अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लग रहे हों तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपको हमारे क्वेश्चन कैसे लगे हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे दबाना ना भूलें, जिससे जो है उसको आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आज के दिन भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री का जन्मदिन मनाया गया। तो ये जो भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी इसका जन्म दिवस कब मनाया गया है? तो ऑप्शन है हमारे जूही सिंह, लवीना सिंह, निर्मल शर्मा या सुचेता कृपलानी। तो ये प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी जिसका जन्म दिवस जो मनाया जाता है, तो ये जो है 25 जून को जो है इनका जन्मदिवस मनाया जाता है, तो आपको इनका नाम बताना है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, सुचेता कृपलानी। तो जो सुचेता कृपलानी है इनका जो है ये जन्मदिवस 25 जून को मनाया जाता है, जो प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के बाहर किस देश ने पहली योग यूनिवर्सिटी खोलने की आधारशिला रखी है? तो भारत के बाहर जो ये योग यूनिवर्सिटी खोलने की जो आधारशिला है ये किसके द्वारा रखी गई है? ऑप्शन है हमारे अमेरिका न्यूयॉर्क के द्वारा, ब्राज़ील के द्वारा, जापान के द्वारा या रूस के द्वारा। तो भारत के बाहर जो योग यूनिवर्सिटी खोलने की आधारशिला किन के द्वारा रखी गई है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए, अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के किस जनपद में प्रदेश के चौथे इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मंजूरी दिया? तो ये जो केंद्र सरकार है, सेंटर की जो सरकार है, इसने उत्तर प्रदेश के किस जनपद में जो प्रदेश के चौथे इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मंजूरी दिया? तो ऑप्शन हमारे रामनगर, कुशीनगर, जयपुर या नागपुर। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी, कुशीनगर। तो सेंटर की जो सरकार है इसने उत्तर प्रदेश के जो कुशीनगर जनपद है वहाँ पर जो चौथा इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है उसको बनाने की मंजूरी दी है। नेक्स्ट है हमारा, महाराष्ट्र के नए मुख्य सचिव के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो महाराष्ट्र के जो नए मुख्य सचिव है किन्हें नियुक्त किया गया है? ऑप्शन हमारे संजय कुमार को, धोनी को, कपिल शर्मा को या राजेश कुमार को। तो महाराष्ट्र के जो नए मुख्य सचिव है किन्हें नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए, संजय कुमार को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस राज्य ने हाल ही में वर्ष 2020 का जो पंचायत पुरस्कार है ये जीता है? तो किस राज्य सरकार ने हाल ही में जो वर्ष 2020 का ई पंचायत पुरस्कार जीता है? ऑप्शन हमारे मध्य प्रदेश ने, राजस्थान ने, हिमाचल प्रदेश ने या हरियाणा ने। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश ने। तो हिमाचल प्रदेश जो राज्य है इसने हाल ही में वर्ष 2020 का जो ई पंचायत पुरस्कार है ये अपने नाम किया है। नेक्स्ट है हमारा, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में छात्रों के लिए एक टू खेलो एक टू पढ़ो नामक योजना शुरू किया? तो ये जो योजना है ये किस राज्य की सरकार ने या छात्रों के लिए चलाई है? तो ऑप्शन है हमारे असम ने, मणिपुर ने, तेलंगाना ने या त्रिपुरा ने। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए, असम। तो असम जो राज्य है इसकी सरकार ने हाल ही में जो छात्र है उनके लिए एक टू खेलो और एक टू पढ़ो नाम से योजना शुरू की है। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार कुशीनगर जो यूपी में पड़ता है का कौन सा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनेगा? तो ये जो घोषणा हुई है ये कुशीनगर यूपी में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनेगा? तो ऑप्शन हमारे दूसरा, चौथा, पांचवा या तीसरा। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी, चौथा। अगला क्वेश्चन हमारा, विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों ये जो दिवस से संबंधित क्वेश्चन है ये भी एग्जाम में जो है जरूर पूछे जाते हैं, तो आपको इन दिवसों को
जो है अच्छे से याद करना है, क्योंकि ये इनके भी जो है एग्ज़ाम में आने की संभावना रहती है। तो विश्व उपभोक्ता दिवस ये अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन हमारे 16 मार्च को, 12 मार्च को, 15 मार्च को या 10 मार्च को। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, 15 मार्च। तो विश्व उपभोक्ता जो अधिकार दिवस है ये प्रतिवर्ष 15 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा, हाल ही में किसे वर्ष 2019-20 का जो किर्लोस्कर संगीत पुरस्कार है ये दिया गया? तो 2019-20 का जो किर्लोस्कर संगीत पुरस्कार किन्हें दिया गया है? ऑप्शन है हमारे स्वप्निल भडोड़कर, सुदेश भोसले, मिरासी बुआ या मधुवंती दाड़ेकर। तो ये जो किर्लोस्कर संगीत पुरस्कार है किन्हें दिया गया है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, मधुवती दांडेकर को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में कौशल शतरंज योजना शुरू किया? तो ये जो कौशल शतरंज जो योजना है ये किस राज्य की सरकार ने शुरू की है? ऑप्शन हमारे राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या गुजरात। तो ये कौशल शतरंज योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, इनके द्वारा जो है रोज़गार मुहैया कराने के लिए एक कौशल शतरंज योजना जो है शुरू की गई है, जिससे युवाओं को रोज़गार के अच्छे अवसर उपलब्ध होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इनमें से कौन सा शब्द हाल ही में बांग्लादेश का राष्ट्रीय नारा बना है? तो बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय नारा है ये कौन सा बना है? ऑप्शन हमारे जय बंगला, जोए बंगला, हमो बंगला या आपा बंगला। तो ये जो बांग्लादेश का राष्ट्रीय नारा बना है ये कौन सा बना है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी, जोए बंगला। तो दोस्तों ये जो एग्ज़ाम के दृष्टि ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एग्ज़ाम में जो है बदले हुए नाम से भी जो है क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो इन क्वेश्चनों को जो आपको अच्छे से याद करना है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी, जोए बंगला। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कौन सा राज्य हाल ही में राष्ट्रीय बायोफ्यूल पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो ये जो राष्ट्रीय बायोफ्यूल पॉलिसी है लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? ऑप्शन हमारे ओडिशा, मणिपुर, राजस्थान या गुजरात। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, राजस्थान। तो ये जो राजस्थान जो राज्य है ये हाल ही में राष्ट्रीय बायोफ्यूल पॉलिसी को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने भारत में डीगी प्योट नाम से जो है सेवा शुरू किया है? तो किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने यह सेवा शुरू की है? ऑप्शन हमारे इन्फोसिस, विप्रो, गूगल या माइक्रोसॉफ्ट। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, गूगल। तो हाल ही में जो गूगल कंपनी है, इस प्रौद्योगिकी कंपनी ने भारत में जो डिगीप्योट नाम से जो सेवा है इसको शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में रणजी ट्रॉफी 2019-20 का खिताब जीता है? तो ये जो क्रिकेट टीम है इसने जो रणजी ट्रॉफी 2019-20 का खिताब अपने नाम किया है। तो ये किस टीम ने जो है रणजी ट्रॉफी 2019-20 का खिताब जीता है? तो ऑप्शन हमारे बंगाल, कर्नाटक, सौराष्ट्र या पंजाब। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, सौराष्ट्र। तो जो सौराष्ट्र की जो क्रिकेट टीम है इसने हाल ही में रणजी ट्रॉफी 2019-20 का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में कौन सेल्फ सोर्स इंडिया की चेयरपर्सन एंड सीईओ बनी है? तो ये जो सेल्फ सोर्स इंडिया की चेयरपर्सन और सीईओ कौन बनी है? ऑप्शन हमारे अवंतिका राव, अरुंधति भट्टाचार्य, रंजनी चावला या जूही सिंह। तो ये जो सेल्फ सोर्स इंडिया की चेयरपर्सन और सीईओ कौन बनी है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी, अरुंधति भट्टाचार्य। तो हाल ही में जो अरुंधति भट्टाचार्य है सेल्फ फोर्स इंडिया की चेयरपर्सन और सीईओ बनी हैं। तो दोस्तों
ये थे हमारे आज के करंट जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल वाला आइकॉन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों हमारा जो आज का होमवर्क क्वेश्चन है, मुगल सराय जंक्शन का हाल ही में नाम बदलकर क्या कर दिया गया है और यह किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों आपको जो ये बताना है कि मुगल सराय जंक्शन का जो नाम बदलकर क्या कर दिया गया है और ये किस राज्य में स्थित है। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर है आपको हमारे कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।